सराय की थाना क्षेत्र में सोमवार की भोर दहिया गांव के चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना चौकीदार के घर के सामने अज्ञात हमलावरों ने उस समय अंजाम दिया जब वो खेत के नलकूप से घर वापस लौट रहा था। सूचना पर स्थानीय पुलिस व बड़े अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस चौकीदार की हत्या किन कारणों से की गई इसका पता नहीं लगा सकी है। परिवार वालों की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्यूबवेल हमारा पर्सनल ट्यूबवेल है वहाँ पे करीब 500 मीटर घर से, और वहाँ से वो चाबी देके वापस आ रहे थे खाना खाने के लिए, और ये ट्यूबवेल से घर आते वक्त ही घर के पास ही हादसा हो गया। क्या हुआ? गोली लगी है सिर पे। क्या भाई आपके सरायकेला थाना में चौकीदार भी हैं? जी चौकीदार भी हैं। सुबह भोर में सरायकेला पुलिस को मिसपुर डहिया निवासी भुवनेश्वर दत्त मिश्र ने सूचना दी कि उनके बेटे सत्येंद्र मिश्र की अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सरायकेला पुलिस ने मौका मुआयना कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार के लोगों ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि सत्येंद्र भोर में घर से 500 मीटर दूर नलकूप की चाबी देने खेत गया था, जहां से लौटते समय घर के समीप उसे गोली मार दी गई। सत्येंद्र के सिर में 2 गोलियां लगी हैं। सत्येंद्र सरायकेला थाने में बतौर चौकीदार डहिया गांव कार्यरत था। घटना की जांच तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर की जा रही है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर बदमाशों को जेल भेजा जाएगा। बाहर बता रहे हैं बाहर बाहर को हम ले गए पहले। चाची यहाँ पे था कि यहाँ पे था या यहाँ था?